नमस्कार दोस्तों, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है टीआई न्यूज में। और यहाँ पे दोस्तों एक बड़ी खबर निकल के आ रही है, वैसे शिक्षकों के लिए, वैसे अभ्यर्थियों के लिए जो कि बिहार एस्टेट का एग्जाम दिए थे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे एक दुखद खबर निकल के आ रही है, जो भी बिहार एस्टेट का एग्जाम दिए थे उन सबों के लिए, क्योंकि बिहार बोर्ड के द्वारा जो भी एस्टेट 2019 का एग्जामिनेशन था उसे यहाँ पर रद्द कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं कि बिहार एस्टेट 2019 का जो भी एग्जामिनेशन था वो बिहार बोर्ड के द्वारा रद्द कर दिया गया है। तो इस वीडियो में पूरा डिटेल में जानेंगे क्या न्यूज निकल के आ रहा है और क्यों इस एग्जाम को यहाँ पे रद्द किया गया है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें और दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये लाइव हिंदुस्तान का रिपोर्ट है, इसमें अगर देखें तो हेडलाइन दिया गया है, बिहार बोर्ड ने रद्द किया एसटीईटी 2019 का परीक्षा, 247,241 अभ्यर्थी हुए थे शामिल। जी हाँ दोस्तों, अगर इसमें देखें तो 247,241 अभ्यर्थी शामिल हुए थे और ये 2019 में इसका एग्जामिनेशन लिया गया था। इसमें अगर नीचे देखें तो पूरा डिटेल में लिखा गया है, बिहार बोर्ड द्वारा एसटीईटी 2019 को रद्द कर दिया गया है। बोर्ड का यह निर्णय एसटीईटी परीक्षा के बाद गठित जांच कमेटी के रिपोर्ट के बाद लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार बोर्ड के द्वारा एक कमेटी बनाया गया था एस्टेट के एग्जामिनेशन का जांच करने के लिए, तो उस कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर इसे यहां पे कैंसिल किया गया है। कमेटी ने बोर्ड से परीक्षा को निरस्त करने की अनुशंसा की है, इसी के आलोक में बोर्ड ने एसटीईटी 2019 को रद्द कर दिया है। वहीं परीक्षा रद्द करने के साथ ही बोर्ड ने शिक्षा विभाग को पुनः परीक्षा आयोजित करने के लिए अनुशंसा शिक्षा विभाग को भेजी है। जी हाँ दोस्तों, जो भी यहाँ पे कमेटी बनाया गया था उसके रिपोर्ट के अनुसार से बिहार बोर्ड ने इस एग्जाम को कैंसिल कर दिया है और उस कमेटी ने यहाँ पे एक रिपोर्ट बनाकर यह भी दिया है कि इस एग्जाम को फिर से, यानी कि पुनः इस परीक्षा को आयोजित किया जाए। एसटीईटी 2019 की परीक्षा 28 जनवरी को 317 केंद्रों पर ली गई थी। दो पाली में हुई परीक्षा में 247,241 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इसमें प्रथम पाली में 181,738 और दूसरी पाली में 65,503 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। ज्ञात हो कि 28 जनवरी को परीक्षा होने के बाद प्रश्न पत्र के साथ कई पहलुओं की जांच के लिए बोर्ड ने 4 सदस्य कमेटी गठित की थी। 4 सदस्यीय कमेटी का गठन मुख्य निगरानी पदाधिकारी बिहार बोर्ड के नीलकमल की अध्यक्षता में किया गया था। कमेटी के अन्य सदस्य प्रशासनिक पदाधिकारी संजय प्रियदर्शी, संयुक्त सचिव निकुंज प्रकाश नारायण और निगरानी पदाधिकारी राजीव कुमार शामिल थे। जी हाँ दोस्तों, इसके कमेटी में 4 सदस्य शामिल थे, जिनका कि यहाँ पे देख सकते हैं आप नाम भी दिया गया है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एग्जामिनेशन जो है 28 जनवरी 2019 को लिया गया था और ये 2 शिफ्ट में इसका एग्जाम लिया गया था। और इस चीज को लेकर देखें तो काफी सारे स्टूडेंट के द्वारा भी उस समय हंगामा किया गया था कि एस्टेट 2019 का जो प्रश्न पत्र है उसे यहाँ पे लीक किया गया है। काफी सारे स्टूडेंट को पहले इसके प्रश्न मिल गए थे, इस चीज को लेकर पहले भी हंगामा हो चुका था। तो इसलिए यहाँ पे बोर्ड के द्वारा एक कमेटी बनाया गया था इस चीज का जांच करने के लिए। बोर्ड ने भी माना कि मोबाइल से लीक हुआ था इसका प्रश्न पत्र। जी हाँ दोस्तों, कि जो भी बिहार एस्टेट 2019 का प्रश्न पत्र था उसे मोबाइल से यहाँ पे लीक किया गया था। जांच कमेटी के रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया है कि एसटीईटी परीक्षा के दौरान कई केंद्रों पर प्रश्न पत्र को लेकर सवाल उठे हैं। इसके आलोक में बोर्ड ने माना है कि परीक्षा के दौरान मोबाइल के माध्यम से प्रश्न पत्र जहां तहां भेजा गया। सामाजिक विज्ञान के विषय के प्रश्न पत्र में अलग अलग ग्रुप में नहीं दिया गया, सभी प्रश्न को एक ही ग्रुप में डाल दिया गया। परीक्षा केंद्रों पर तोड़फोड़, हंगामा, प्रश्न पत्र फाड़ना तथा मारपीट जैसी घटनाएं हुई थी। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब बिहार एस्टेट का एग्जामिनेशन हुआ था काफी सारे सेंटर पे हंगामा भी हुआ था, क्योंकि क्वेश्चन यहां पे बोला जा रहा था कि पहले ही क्वेश्चन लीक कर दिया गया है और जो भी यहां पे सामाजिक विज्ञान का प्रश्न था उसे अलग अलग ग्रुप में नहीं दिया गया था, उसे एक साथ ही यहां पे शामिल किया गया था। इस दौरान प्रश्न पत्र को लीक करने की कोशिश भी की गई। इन सभी को देखते हुए राज्य भर की परीक्षा रद्द की जाती है। जी हाँ दोस्तों, बिहार बोर्ड के द्वारा ये बोला गया है कि जो भी बिहार एस्टेट का एग्जामिनेशन था उसे यहाँ पर रद्द कर दिया गया है। और दोस्तों यहाँ पे जिनके द्वारा प्रश्न पत्र सेट किया गया था उस पे भी यहाँ पे कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। जी हाँ दोस्तों, जो भी यहाँ पे प्रश्न पत्र सेट किए थे तो उनके ऊपर भी यहाँ पे कार्रवाई के बारे में बोला गया है। साथ ही बोर्ड ने बताया कि आज भेजे गए प्रेस रिलीज के अनुसार विज्ञान के प्रश्न पत्र सेटर के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा शिक्षा विभाग को अनुशंसा भेजी गई है। और बिहार बोर्ड ने परीक्षा रद्द करने को लेकर 16 मई को इसका नोटिस जारी किया था। तो आप बिहार बोर्ड की भी वेबसाइट पे जाके आप इसका नोटिस देख सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज का बड़ा अपडेट। दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद एक बेल का आइकन आएगा उसे भी क्लिक कर लें ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे। और दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।